डॉल्बी विजन लिख के आ गया, दैट मीन्स अब ये विजन में चल रहा है। अब विजन में भी देर आर फ्यू सेटिंग्स। अब जैसे सेटिंग्स में जाओगे पिक्चर में, आपको देखो आपको तीन तीन मोड्स आते हैं, आपको डॉल्बी विजन ब्राइट में चाहिए, डॉल्बी विजन डार्क में चाहिए, डॉल्बी विजन कस्टम। हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको मेरे टोर्नेडो टीवी का सेकेंड पार्ट आपको दिखाऊंगा। बहुत टाइम पहले आपको दिखाया, सॉरी गाइज, मैं कंटिन्यूस में बना नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू मेरा जॉब भी है, सब कुछ चल रहा है। इनफैक्ट बीच में घर पे मेरा बेटा और बीवी दोनों बीमार थे, तो आई कुडन यू नो टेक टाइम फॉर वीडियोज़। सो मेरा टीवी ऑलरेडी ऑन है टोर्नेडो का, साथ में साउंड बार भी है। मैं आपको आज इसका सेकेंड पार्ट दिखाता हूँ। मेजरली मैं आपको इसका वीडियो रिव्यू, मतलब क्वालिटी कैसी है इसकी, वो मैं दिखाऊंगा, वीडियो का, ऑडियो का, फ्रॉम द टीवी नॉट फ्रॉम द साउंड बार। मैं टीवी से आवाज़ कैसे आता है इसका, क्या ये 106 वॉट्स का जो JBL का स्पीकर है उतने का वर्थ है, और क्या इसका विजन और इसका जो एटमोस का सपोर्ट करता है ये सही में करता है। बट आई एम नॉट श्योर आपको मैं विजन और एटमोस का कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे में कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है अगर मैं नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार में आपको मैं दिखाऊंगा। बट लेट सी उसके अलावा कैसे उसका वीडियोस है, नो कॉपीराइट्स वाले वीडियोस आपको चला के दिखाऊंगा अभी। सो लेट्स गो। सो हियर वी गो गाइस, ये है मेरा टीवी हाइसेंस का, जस्ट आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही था, जस्ट टू शो यू वापस वंस अगेन। ये JBL के स्पीकर्स दिखते हैं इसमें, और इसमें ये आपको डॉल्बी एटमॉस और विजन का सपोर्ट। मैंने आज दिन का टाइम है, बारिश हो रही है, मैंने हल्का सा डार्क कर दिया रूम में, बट आपको मेरे इसमें हल्का सा लाइट का शेड दिख रहा होगा। गाइस एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दो, आप क्या अगर लिविंग रूम में ज़्यादा लाइट आती है तो IPS पैनल लेना बेटर होगा, और अगर आपके इसमें ज़्यादा लाइट नहीं आती तो VA पैनल भी चल जाएगा। VA पैनल इज़ बेटर अगर आपका रूम डार्क है तो उसमें, क्योंकि कलर्स आपके अच्छे से कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसका बेटर होता है। तो दिस इज़ अ VA पैनल बाय द वे। सो आपको मैं इसका यूट्यूब में एक वीडियो, 4K वीडियो है ये, आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, आपको अभी प्ले करता हूँ। ये आपको देख रहे सकते हैं, फेमस माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नो कॉपीराइट वीडियोस चला रहा हूँ मैं, और नो इसकी पिक्चर की क्वालिटी बेमिसाल है। आई डोंट नो आपको कैमरा में कितना आ रहा है, सुपर एक एक डिटेल इसके। और आपको ये साइड व्यू भी बता देता हूँ, मैं अभी ऑलमोस्ट ये 160 तक आ गया हूँ मैं। यहाँ से भी अगर कोई टीवी देखता है तो क्लियरली आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये 170 यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट VA पैनल की वो खासियत है, यू कैन स्टिल व्यू इट फ्रॉम द एंगल्स। IPS में शायद आपको एंगल से बेटर क्वालिटी ना मिले, और जैसे और ये प्रॉपरली पिक कर रहा है। इफ यू सी ये नीचे यहाँ पे, लेट्स सी इसके क्या स्टेटस बताते हैं। ये आप जैसे देख रहे हो 2160p में ये कैप्चर कर रहा है, दैट इज 4K। एक बार फिर आपको शायद नॉर्ड्स में दिखा देता हूँ, होल्ड ऑन। ये आपको इसके मोड में जाके अब कभी भी ये चेक करना है, इसका स्टैट्स फॉर नर्ड्स, इसमें आपको ये बता देगा कि इसका क्या स्टेटस है। जैसे आप देख रहे हो अभी ये रे रहा, ऑप्टिमल रेजोल्यूशन आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये 25 फ्रेम्स पर सेकेंड में ये आपको वीडियो बता रहा है, और ये मेरा नेटवर्क का स्पीड भी बताता है, कनेक्शन स्पीड मेरा 50 Mbps का चल रहा है। और इसमें देखो ये देखो, ये दैट्स मीन्स ये टीवी का पैनल एक भी अभी भी इसका फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये प्रॉपरली जो आ रहा है फ्रेम प्रॉपरली 4K में कैप्चर करके आपको इसका जो भी प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करके आपको ये दे रहा है। दैट मीन्स दिस पैनल और इसका बैकएंड का जो प्रोसेसर है इट इज़ वर्किंग वेरी गुड, एंड इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी वेरी वेल, बिल्कुल सही कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, कोई दिक्कत वाली इसे बात नहीं है। वीडियो में मैंने देखा है खुद, मैंने बहुत सारे विजन के मूवीज़ भी देखे हैं, विजन सपोर्टेड मूवीज़ हो या एटमोस सपोर्टेड हो, बट एटमोस सपोर्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो 5.1 वाला जो आपके चारों आगे पीछे लगा सकते हो वैसा वाला ले लो,
या तो आप साउंड बार जो मैंने लिया है ऐसा वाले लो, बट साउंड बार से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मे बी 10-20% आपको एटमोस का फील आ सकता है। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। थोड़ा सा आपको मैं फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, कुछ और विजुअल्स इसी वीडियो में हैं, तो जिसका इज ऑल अबाउट माउंटेन्स बाय द वे। ये मेरा चैनल का वीडियो है, ये किसी का वीडियो है, आई शुडन्ट बी शोइंग दिस, मेरे को स्ट्राइक आ सकता है। सो मैं आपको इसका साउंड एक बार कोई चैनल या कुछ और वीडियोस या नो कॉपीराइट वाले साउंड लगा के आपको जस्ट दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे मैं आपको ये एक एटमॉस का साउंड इफेक्ट कैसा है बता। मेरे टीवी से ही है, साउंड बार मेरा ऑफ है। मैंने ये वॉल्यूम अभी 40-43 तक किया। आप जैसे देख रहे थे 41-42 में ही मेरा साउंड फुल हो गया था, रूम फुल ऑफ साउंड था, मेरा बेटा भी सो गया था। HD का बता रहा है स्ट्रीम। ये कुछ और अपने पास जबरदस्त साउंड है भाई, दे रहे गाइज। आपको हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट दी विजन और सॉरी दी एटमोस या विजन जो भी सपोर्ट है वो कैसे दिखता है इसमें। जैसे मैं भूत पुलिस अभी जस्ट चालू ही की थी थोड़ी देर पहले, देख रहा था मैं जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसको, मैं रिज्यूम करूँगा, देखो इफ इफ योर टीवी इज़ विजन सपोर्टेड वो यहाँ पे दिखाएगा आपको विजन सपोर्टेड है। और साथ में क्या है, अभी इसमें विजन भी है, 4K HD भी सपोर्टेड है। सो सिंस आउट इज़ अ विजन, आपको ये विजन में दिखाएगा। अब जैसे मैं रेज्यूम करता हूँ तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, हाउ इट शोज द, ऊपर देख रहे हो यहाँ पे डॉल्बी विजन लिख के आ गया, दैट मीन्स अब ये विजन में चल रहा है। अब विजन में भी देर आर फ्यू सेटिंग्स। अब जैसे सेटिंग्स में जाओगे पिक्चर में, आपको देखो आपको तीन तीन मोड्स आते हैं, आपको डॉल्बी विजन ब्राइट में चाहिए, डॉल्बी विजन डार्क में चाहिए, डॉल्बी विजन कस्टम। अब मेरा ब्राइट में चल रहा है, अब देख लो इसमें क्या चेंज आता है। मैं डार्क करूँगा तो हल्का सा चेंज इन ये हो जाता है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़ जाता है उसमें। अब मैं यूजुअली ब्राइट में देखता हूँ, अब डार्क में देखना है, डार्क में और ब्राइट में आई डोंट सी मच। आप कस्टम में यू कैन चेंज योर सेल्फ, ऑब्वियसली आपको जैसा चाहिए आप देख सकते हो, बट यूजुअली मैं ब्राइट में ही देखता हूँ। और ये बैक लाइट हमेशा आप ये ऑफ है, इसको ऑन में ही रखना, सो दैट डायनामिक आपको जब भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देना है टीवी अपने आप प्रोसेसर के थ्रू आपको दे देगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो ये आपको मैं हल्का सा खाली दिखा रहा था हाउ दी विजन या एटमोस आपको दिखाई देता है। मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, कहीं मेरे को डिस्नी हॉटस्टार वाले स्ट्राइक ना कर दे।
कॉपीराइट के लिए। सो ये है गाइस अपना इंटरफेस, आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। सारे ऐप्स इसमें लेते हैं, कुछ 11 GB का स्पेस अभी भी मेरे पास इसमें है, 11 GB का टोटल आपको मिलता है, अभी भी मेरे पास 8 का पेंडिंग है। और ये सब है मेरे पास, ऐप्स हैं मेरे। एंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक चीज़ मैं मिस करता हूँ कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स इसमें 10 भी दे देते तो बड़ी बात थी एंड्रॉयड वर्जन। अभी एक्सपेक्टेड है ये कि ये 10 या 11 दिसंबर तक देगा, दैट इज़ व्हाट हाइसेंस की कंपनी कह रही है। 11 के साथ अगर वो गूगल टीवी देते हैं तो इट वुड बी मच मच बेटर फॉर दिस टीवी। फिर वो गूगल टीवी इज़ जस्ट लाइक आपका MI का जो इंटरफेस देता है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द इंटरफेस, किसी को याद है तो बता देना कमेंट्स में, वो उसकी तरह आ जाएगा जिसमें आपको सारे हो सकता है चैनल, सारे OTT ऐप्स के जो भी चैनल्स हैं वो एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को प्ले नेक्स्ट में ये ऑप्शंस बता रहा है, वैसे एक एक चैनल्स आएंगे। अब फिलहाल मेरे को क्या करना पड़ता है, हर चैनल देखने के लिए हर ऐप में खोल के उसमें जाके चेक करना पड़ रहा है। सो थोड़ा सा इंटरफेस अगर स्मूथ कर देगा गूगल टीवी खुद से ही, सो फिर कस्टम में किसी कंपनी को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेहनत भी उतनी कम हो जाएगी। सो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू द सेकेंड पार्ट। अगर आपको और भी कुछ पूछना है इसके बारे में तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में पूछ लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो दिस वॉज हाइसेंस का रिव्यू। बाय द वे मुझे आपको ये साथ में कनेक्ट करके ज़ेब्रोनिक्स का भी एक आपको दिखा दूंगा कैसे हाउ इट वर्क्स। देखो डॉल्बी एटमॉस है, ज़ेब्रोनिक्स का है ये, बढ़िया है। किसी को अगर लेना है तो एक बार मुझे पूछ के आप ले भी सकते, कोई इशू नहीं, यू कैन गो अवे एंड बाय दिस, राइट। ठीक है गाइस, सो दिस इज विपिन साइनिंग अवे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे लिए, आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, और किसी को अगर हाइसेंस टीवी लेना है या लिया है तो उनको रिव्यू देखना है तो प्लीज़ ये फॉरवर्ड कर दो। और हाइसेंस टीवी का भी कोई आपको क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।